अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कल भोलेनाथ ने आपको ठीक कर दिया ना, इसलिए हमने भगवान को प्रसाद चढ़ाया है। प्रसाद तो हमने बनाया था। वाह, देखो भाई कितनी चिंता है इसको हमारी। घर की लक्ष्मी होती है ना, वो ऐसी ही होती है, उसके गुण ऐसे ही होते हैं। राधिका, मैंने तुमको कहा था भोग बनाने के लिए, तुमने इसे क्यों कहा? दादी जी, भोग तो हम ही बना रहे थे। प्रभा, क्या कुसुर पुसुर कर रही हो? अपनी होने वाली बहू के हाथ से प्रसाद ले लो। कली जी, आपने तो हमसे कहा था कि हम आपके लिए गर्म पानी का बटन चालू कर दे, लेकिन लगता है आप तो पहले ही नहा चुकी हैं और भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दिया। हाँ हाँ, कार्तिक मास चल रहे हैं तो हम सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा लिए थे। और गर्म पानी तो हमने आपको इसलिए कहा था क्योंकि हमें कपड़े धोने थे। अच्छा ठीक है। दादी सास जी, आपकी आज्ञा हो तो हम सबके हाथ में मौली धागा बांध दे। अरे हो तो गया, अब माथा टेक लिया, प्रणाम कर लिया, अब और क्या? नहीं नहीं, सबको बांधना होगा, हमने सबके लिए प्रार्थना की है, भोलेनाथ सबकी रक्षा करें। हाँ हाँ, सबको बांधो, बस उस नौकरानी को मत बांधना। बेटा अपना हाथ आगे बढ़ाओ। बड़ी दादी, मुझे ये सब का आप शौक नहीं, मैं इस पे नहीं मानता। दिव्यम, बड़ी दादी की बात नहीं काटते, जानते हो ना तुम? सीधा हाथ। धागा फिर से टूट गया। मुझे लगता है भोलेनाथ जी की भी इच्छा नहीं है कि ये धागा मेरे हाथ में बंधे। कली, आओ हमारे साथ नाश्ता करो। जी दादी सास जी। अरे कली, तुम नीचे काहे बैठी हो? दादी सास जी, हम नीचे बैठ के खाते हैं ना,
तो हमें लगता है हम अपनी धरती मैया से जुड़े हैं और अपने संस्कारों से भी। वाह वाह, देखो कितने अच्छे संस्कार हैं इस कली के। पर बेटा अब हमारे घर वाले तो संस्कार और धरती मैया सब भूल गए हैं, ये तो सब शहर वाले बन गए हैं तो मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं। जीजी मैं नीचे बैठ के खाती हूँ तो घुटनों में दर्द हो जाती है बस। हाँ बुआ, मेरे भी कमर में दर्द हो जाता है अगर नीचे बैठूं तो। अरे कली बेटा कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष, अब जब शहरी हो गए हैं सब लोग तो तुम भी इन्हीं के रंग में रंग जाओ। आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो, जमीन पर बैठकर। शहरों में नौकर खाना खाते हैं, वहां तो वो गेंदा फूल बैठकर खाएगी। बुआ जी हम अपने घर में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हाँ इसीलिए तो तुम लोगों ने इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है कि वो मालकिन बन के रह रही है। कली बेटा तुम इस घर के होने वाली बहू हो, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। जैसा आपका आदेश दादी सास। बहुत भूख लग रही है, जल्दी आ जाओ। अरे गोलू तू दूसरी कुर्सी पर बैठ जा, वो कली को दिव्यम के बगल में बैठने दे। कहने पे मैं चुप हूँ, पता नहीं तुम कैसे सहन कर पा रहे हो। अरे कली बेटा ये स्टील की प्लेट छोड़ दो, इसमें हमारे यहाँ नौकर खाना खाते हैं और इसमें वो गेंदा फूल खाना खाएगी। तुम एक काम करो, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों में खाने की आदत डाल ली और अब इसी में खाया करो। एक गेंदा फूल, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अपनी होने वाली मालकिन को खाना परोसो। मुन्ना क्या हुआ बेटा, तू ऐसे खाना छोड़ के क्यों उठ गया? मुझे भूख नहीं है, मुझे बहुत काम है, मैं कमरे में जा रहा नहीं खुल रही है। लैपटॉप को आज ही के दिन स्लो चलना है क्या? चल यार। थैंक यू राधिका खाना लाने के लिए। आप क्यों लाई हैं ये? और बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कैसे आ गई आप? प्लीज, अरे प्लीज ये रोना धोना बंद कीजिए आप। किसने कहा आपको यहाँ खाना लाने के लिए? हाँ हमने कहा था। ये क्या तरीका है अपनी होने वाली पत्नी से बात करने का दिव्यम? सॉरी बड़ी दादी लेकिन मुझे भूख नहीं है। अच्छा जब तुझे लगा कि गेंदा फूल तुझे खाना दे रही है तो तूने उसे धन्यवाद कहा, और कली जब तुझे सामने खाना देने आई तो तुझे भूख नहीं है। देखो बेटा ना हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है और ना ही कानों में रुई ठसी है, तो हमें दिखाई भी देता है
और हमें समझ में भी सब कुछ आता है। उस गेंदा फूल की वजह से तुम होने वाली बहू पर चिल्लाते हो। मुन्ना, अगर भूख लगी है तो थोड़ा सा खा ले बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा। मुन्ना, खाना गली लेकर आई है, लेकिन बनाया राधिका नहीं है। तो बात को और मत पढ़ा, थोड़ा सा खा ले। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूँ। बहुत भूख लगी। मुन्ना, आराम से खा बेटा, थोड़ा आराम से खा ले बेटा। आराम से। बोला था ना ठसका लग जाएगा, मानता नहीं है हमारी। हाय दैया, ठसके से तो इनकी हालत खराब हो रही है। पता नहीं नौकरानी जी ने खाने में ऐसा क्या मिला दिया जो अपने होने वाले पति को सांस तक नहीं आ रही। हे भोलेनाथ, ठीक कर दीजिए हमारे प्राणनाथ को। क्या करें यहाँ तो पानी भी नहीं। अरे किसी ने पानी नहीं रखा क्या? जी जी, आपने ही तो मना किया था उसे कमरे में आने से। पानी लाओ, कोई पानी लाओ, पानी। तुम क्यों नहीं ले आती? पानी। तफीम साहब, आप अभी सौंफ खा लीजिए। ऐसे ठसके के बाद आपको सौंफ से आराम मिलेगा। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू राधिका। इस नौकरानी को दिव्यम के बारे में सब कुछ पता है और इनके नजदीकियों को हमें दूरियों में बदलना होगा। देख लिया बड़ी दादी, आप इन्हें मेरी सारी जिम्मेदारी देने की बात कर रही थी। मुझे किस वक्त पे किस चीज की जरूरत होती है ये भी नहीं पता इन्हें। बेकार में मेरा टाइम खराब कर रहे हैं आप सब लोग। बड़ी दादी के कमरे की अच्छे से सफाई कर दी है। और क्या काम रह गया है? तफीम जी, आप हमें कमरे में ऐसे किडनैप करके क्यों लेकर आए हैं? राधिका, बड़ी दादी तुम्हें किडनैप कर लेती उससे पहले मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या? ये तुम्हारे लिए। हमारे लिए? ओह, I'm so sorry. Actually, ये जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी बीवी के लिए। I'm so sorry. Obviously तुम्हारे लिए ना राधिका। राधिका रोना मत, प्लीज। सॉरी। राधिका, जब कोई गिफ्ट लाता है ना तो सॉरी नहीं बोलते, थैंक यू बोलते हैं। बोलो। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, कैसा लगा तुम्हें? अगर अच्छा नहीं लगा तो हम चेंज करवा सकते हैं, और तुम एक बार साइज भी चेक कर लो। तफीम जी, ये तो बहुत प्यारा सूट है और ये कलर भी हमारा फेवरेट है। हाँ, पता है मुझे। हाँ? आपको कैसे पता? वो तुम्हारी सारी साड़ियाँ यही रंग की है ना, तो
थैंक यू दिव्यम जी। चलिए, नौकरानी बनने का कुछ तो फायदा हुआ। आपको पता है आप पहली बार हमारे लिए तोहफा लेकर आए हैं। पहली बार? सच्ची? हाँ, और वैसे भी नौकरानी का नाटक करके इन छोटी छोटी खुशियों से तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। इस दुनिया में ना तुम पहली ऐसी इंसान हो जो नौकरानी बनने में प्रोत्साहन ढूंढती है। मुझे लगता है तुम्हें ये सब करके मजा आता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ही है। तुम्हें इतना सबर आता कहाँ से? तुम पूरा दिन काम करती हो, न साज न श्रृंगार न सिंदूर लगाया है, ना अपना फेवरेट मंगलसूत्र पहना है तुम्हें। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? अजीब का तो पता नहीं, पर ये सूट देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। हम इसे ट्राई करके आते हैं। ठीक है, चलो। हम कितने सुंदर लग रहे हैं इस साड़ी में। दिव्यम जी को दिखा कर आते हैं, वो इतने प्यार से जो लाए हैं। दिव्यम जी, ये सूट तो हमें बहुत अच्छे से फिट आ गया। एक्चुअली बहुत अच्छे से फिट आ गया तुम्हें। दिव्यम जी, नौकरानी जी, आप यहां? सबसे पहली बात, उनका नाम नौकरानी जी नहीं है, राधिका है। जी माफ कीजिएगा, राधिका जी। जी, आप यहाँ? वो राधिका। हाँ। ये कपड़े प्रेस कर देना जल्दी से, और ये वाला भी। ओ जी, तो आप यहाँ पे इस्त्री के कपड़े लेने आई थी। वैसे आपने कुछ देर पहले तो दूसरे कपड़े पहने थे ना? हाँ, वो चाय हमारे कपड़े पे चाय गिर गई थी। हम ये कपड़े इस्त्री करके आते हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी करके। एक मिनट, कुछ काम था आपको? जी, हम आपको ये साड़ी दिखाने आए थे। कैसे लग रहे हैं हम आपकी लाई हुई साड़ी में? वैसे जैसे सब लगते हैं। मुझे इम्पोर्टेंट काम है। राधिका के सूट पे प्राइस टैग लगा हुआ है। ये तो हमें देख ही नहीं रहे, मगर हमें भी पता है इनका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींचना है। वैसे दिव्यम जी, हाय भैया। संभाल के। हाय भैया। ये दिव्यम तो भाव ही नहीं दे रहे। बहुत जल्द ये कमरा तुम्हारा होगा कली।
और ये अलमारी भी। इतनी अच्छी शर्ट से ये शादी के बाद ना हम भी जीन्स टॉप पहनेंगे। पीछे कुछ रंग बिरंगे कपड़े हैं। कली, ये दादी सास भी ना हमेशा गलत वक्त पे टांग अड़ाती हैं। खैर, हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा इस कमरे में रहने का। ये कैसे हुआ? हमको भी नहीं पता, हम जब आए तो ये तार टूटा हुआ था। अब कितनी गर्मी हो रही है, हमरा क्या है, हम तो गांव के छोटे से घर से हैं, हम रह लेंगे। पर दादी सास जी वो कैसे सो पाएंगी? यहाँ हम एक काम करते हैं, हम एसी ठीक करने वाले को कॉल कर देते हैं। जब तक एसी वाला आएगा तब तक कोई कूलर हो तो वही लगा दीजिए। घर में कूलर तो है, हम एक काम करते हैं, उसे ला के लगा देते हैं अभी, ठीक है? अब आएगा वो स्टोर रूम का कूलर यहाँ और हमारा खेल शुरू। नौकरानी जी, हम कुछ मदद करें? नहीं नहीं कर लीजिए, हम कर लेंगे। ठीक है। नौकरानी जी जी, हम जरा भजन करने जा रहे हैं, पानी भर जाए तो आप बंद कर देंगी? जी। राधिका, अच्छा हुआ दिव्यम जी आपने पहले ही बता दिया, वरना कली जी को शक हो जाता। पता चल जाता तो ही अच्छा होता राधिका, थक गया हूँ मैं नाटक कर करके। दिव्यम जी बस कुछ दिन की बात और है, हम ये कपड़े रख देते हैं अलमारी में। राधिका ये क्या कर रही हो तुम? राधिका ये देखो सारे के सारे कपड़े तुमने उल्टे सीधे लगा रखे हैं। कहाँ उल्टे सीधे रखे हैं, सही से तो रखे हैं दिव्यम जी। कहाँ सही से रखे हैं तुमने राधिका? यहाँ हरा, फिर ये नीचे मल्टी कलर, फिर ये गुलाबी, क्या मतलब? अरे दिव्यम जी, हाथ मत लगाओ, मैं करता हूँ, रुको। दिव्यम जी कोई जरूरत नहीं, सही से तो है सब। अरे कहाँ सही है, ये बिल्कुल नहीं पसंद है सर। परफेक्ट होना चाहिए राधिका। क्या कहा मैंने? परफेक्ट, गुड। हे भगवान, ये बाढ़ कहाँ से आ गई? ये पानी कहाँ से आ गया? चीजें तैर रही हैं। क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? ये नल किसने खुला छोड़ा है? वो एक मिनट रुकिए सब लोग। मुन्ना संभाल के जा बेटा, संभाल के जा मुन्ना संभाल कर थोड़ा, हो सकता है कोई बिजली की तार पानी में गिरी हो, कुछ हो ना जाए। अरे ये पाइप किसने खुला छोड़ा है?
नौकरानी जी कूलर में पानी भर रही थी तो हम यहाँ आए, हमने देखा तो यहाँ पे बाढ़ आ गई। वो लेकिन हमें अच्छे से याद है, हम नल बंद करके ही कमरे से बाहर गए थे। जब तक एसी वाला आएगा तब तक कोई कूलर हो तो वही लगा दीजिए। हमें सब समझ में आ रहा है, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ताकि तुम हमारी कली को परेशान कर सको, क्योंकि कली नीचे सोती थी, अब उसकी नीचे सोने की भी मुश्किल हो गई। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधिका तुम एक काम ढंग से नहीं कर सकती हो आज ही, लेकिन हमें अच्छे से याद है हम। राधिका अगर तुमसे कोई लापरवाही हुई है तो मान लो ना। मुन्ना तू ठीक तो है ना? हाँ माँ। हाथ दे, हाथ दे, आराम से संभाल संभाल के, हाथ हाथ दे, हाथ दे, हाथ दे, आराम से, आराम से, अच्छा अच्छा। आप सब लोग हटिए यहाँ से, कोई भी किसी भी चीज को नहीं छुएगा। एक हाथ अड़ाइए नीचे, मैं बाहर जाके इस कमरे की मेन स्विच बंद कर रहा हूँ। आप लोग चलिए यहाँ से, चलिए बाहर, चलिए यहाँ से। चलो। मन अति सुंदर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।